Yesterday we discussed about how to enable telnet on a router. ठीक है? Today we will discuss how to enable SSH on a router. Then we will discuss क्या? करेंगे डिस्कस वो भी, पहले सिक्योर कर रहे हैं ना लाइन VTY को, सिक्योरिंग लाइन VTY. देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस वी विल बी यूजिंग टू सिक्योर लाइन VTY, जैसे कि पहला एक्सेस क्लास अप्लाइंग ACL ऑन दी लाइन VTY, सेकंड आइडल टाइम आउट, ठीक है, थर्ड यूजिंग यूजर नेम एंड लिखना नहीं है यार, ये मैं पेंट सेव कर दूंगा आपके लिए, ठीक है. यूजर नेम पासवर्ड हमने कल देख लिया था, और क्या कर सकते हैं हम सिक्योरिटी के लिए, चेंजिंग दी टेलनेट पोर्ट. फर्स्ट वी विल डिस्कस how to enable SSH on the device, then securing the line VTY, then we will discuss password policy. Okay, password policy और उसके बाद controlling any brute force अटैक, ठीक है. सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल, अगर टाइम बचा तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिविलेज लेवल, ठीक है. दीज आर द टॉपिक्स वी विल कवर टुडे. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद इनेबलिंग SSH ऑन ए राउटर, ठीक है. Configure R2 to accept any SSH request. Okay, on R2 create two usernames, Praveen and Praveen. ठीक है. Now you guys tell me what is the requirement or what are the steps I should take to enable SSH on the router. Things that needs to be configured to enable SSH. पहली चीज बताओ, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, और कुछ? डिफाइन डोमेन नेम और क्रिप्टो की और यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम और लॉग इन लोकल अंडर लाइन VTY, ठीक है. और होस्ट नेम ऑन दी डिवाइस, ठीक है. दीज आर दी थिंग्स वी नीड टू कॉन्फिगर
on router if we want to enable SSH. Why we are configuring login local under line VTY? Because in case of SSH, always authentication is performed based on the username. In case of SSH, always username authentication. इसीलिए हमने line VTY पे login local command चलाई. इसीलिए हमने डिवाइस पे एक यूजर नेम कॉन्फ़िगर किया. नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफाइनिंग डोमेन नेम और होस्ट नेम ऑन द डिवाइस? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? पहले एक और चीज बता देता हूं आपको. क्रिप्टो की का मेन काम क्या है? क्रिप्टो की इज यूज्ड टू मेक द सिक्योर कनेक्शन. क्रिप्टो की क्या करती है? आपके SSH कम्युनिकेशन को सिक्योर करती है. ठीक है, कल मैंने आपको बताई थी दो चीजें, हाउ SSH वर्क्स एंड हाउ टू इनेबल SSH. सो SSH कैसे काम करता है, वी विल डिस्कस इट लेटर व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट VPN. VPN के बाद ही डिस्कस करेंगे कि इस की का मेन काम क्या है. अभी के लिए बस आप ये समझो, दिस की इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द SSH सेशन. वो सारी चीजें आएंगी. ठीक है, नाउ वी नो दैट वी हैव टू कॉन्फ़िगर क्रिप्टो की, अदरवाइज SSH विल रिमेन डिसेबल्ड, क्योंकि क्रिप्टो की से ही हम सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं. SSH जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं हमेशा यूजर नेम यूज होता है ऑथेंटिकेशन के लिए. सो दैट्स व्हाई वी आर कॉन्फ़िगरिंग लॉगिन लोकल एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉन्फ़िगरिंग ए यूजर नेम. इन तीनों कमांड का मीनिंग क्लियर है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डोमेन नेम एंड द होस्ट नेम ऑन द डिवाइस? कोई बताएगा? यहां पे क्या सिग्निफिकेंस है डोमेन नेम का? डोमेन नेम से, चलो बताओ बताओ, गलत है. डोमेन नेम से हम एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, गलत. डोमेन नेम एंड होस्ट नेम आर डिफाइंड या फिर कॉन्फ़िगर्ड. हम डोमेन नेम और होस्ट नेम को केवल एक कारण के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं डिवाइस पे, इन केस ऑफ SSH. ठीक है, डोमेन नेम एंड होस्ट नेम आर डिफाइंड टू गिव ए नेम टू द क्रिप्टो की. देखो मेन रिक्वायरमेंट क्या है, SSH को सिक्योर बनाने के लिए एक की जनरेट करनी है. जब भी आप की जनरेट करते हो डिवाइस पे, की का एक नाम होना चाहिए. अब की का नाम बाय डिफॉल्ट डिवाइस क्या करता है, डोमेन नेम और होस्ट नेम को कंबाइन करता है. इसीलिए वी हैव टू कॉन्फ़िगर होस्ट नेम एंड डोमेन नेम ऑन द डिवाइस. ठीक है, क्लियर. डोमेन नेम एंड होस्ट नेम आर डिफाइंड टू गिव ए नेम टू क्रिप्टो की. और कोई काम नहीं है SSH के केस में, केवल की का नाम बताने के लिए. अब की किस तरीके से यूज होती है अभी ना ही जाने तो बेहतर है. ठीक है, बट की के यूज से ही आपका सारा सेशन प्रोटेक्ट होता है. तो करे कन्फिगर ये पांच चीजें डिवाइस पे. नाउ देर आर मल्टीपल वेज टू इनेबल SSH. पहला तरीका तो ये हो गया जो आप नॉर्मल पढ़ के आए हो, होस्ट नेम, डोमेन नेम, क्रिप्टो की, लॉगिन लोकल और एक यूजर नेम. इसके बाद हम एक और मेथड करेंगे, उसके बाद एक और मेथड. मतलब इसका कोई मतलब नहीं है वैसे थर्ड मेथड का, इनेबलिंग SSH, बट आप इसके अकॉर्डिंग भी आप SSH को इनेबल कर सकते हो अगर करना चाहो तो. ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट मेथड टू इनेबल SSH ऑन ए डिवाइस.
configure R2 to accept any SSH request on R2. Achha, on R2 create to username. So let us start with defining the domain name. Let me not define domain name and directly try to configure crypto key. ठीक है, देखते हैं कि क्रिप्टो की जनरेट होगी या नहीं. बाय डिफॉल्ट जीएनएस वाले राउटर्स पे डोमेन नेम कॉन्फ़िगर्ड होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए मैं डोमेन नेम हटा रहा हूं. बाय डिफॉल्ट ऑन जीएनएस डिवाइसेस डोमेन नेम इज lab.local. तो अभी अगर मैं की जनरेट करूंगा, डिवाइस के पास होस्ट नेम भी है और डोमेन नेम भी, तो की जनरेट हो जाएगी. ठीक है, सो राइट नाउ आई एम रिमूविंग डोमेन. डन. डू शो रन सेक्शन डोमेन रिमूव. नाउ लेट मी ट्राई टू जनरेट क्रिप्टो की. To generate crypto key, we have to use which command? Crypto key generate RSA end. This command is used to generate crypto key. Now, what it is saying? Please define a domain name first. Now, you know what is the use of domain name? Domain name is used because after entering this command, device will generate a crypto key. Now, to uniquely identify a key, you must specify a name. Hanji. Teen scientists the uske naam pe pada tha. This will be discussed when we will discuss PKI in VPN. ठीक है, done. So first we will define domain name on the device. IP domain name, let's say nb.com. ठीक है, second define or generate a crypto key. Command to generate crypto key is crypto key generate rs. ठीक है, तो क्रिएट यूजरनेम आप सभी को पता है किस तरीके से यूजरनेम क्रिएट करते हैं. यूजरनेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को, यूजरनेम रोहित, पासवर्ड सिस्को, लॉगिन लोकल लाइन BTY024, लॉगिन लोकल, होस्ट नेम इज ऑलरेडी कॉन्फिगर्ड ऑन द डिवाइस. दिखाई दे रहा है यहां तक? दिखाई दे रहा है? ठीक है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन पता है होता क्या है? आप यहां पे एक की जनरेट करते हो. ठीक है, आप वो की इस यूजर को, जो भी यूजर होगा उस यूजर को सेंड करते हो. अब जब भी ये यूजर कोई भी डेटा सेंड करेगा, ये यूजर डेटा को सेंड करेगा बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा विद द की. पहले ये डिवाइस अपनी पब्लिक की देगा डिवाइस को, यूजर को, और वो यूजर जो भी डेटा सेंड करना चाहता है उसको इनक्रिप्ट करेगा जो भी की सर्वर ने प्रोवाइड करी है. बहुत सारी चीजें ना आएंगी वीपीएन के टाइम पे.
ठीक है. सो लेट अस कॉन्फिगर डोमेन नेम एंड क्रिप्टो की. नाउ डोमेन नेम एक्सेप्टेड देन क्रिप्टो की जनरेट RSA. The name for the keys will be r2.nv.com. This is device specific. Key का नाम क्या होगा हमेशा? Host name plus domain. ठीक है. रीजन क्लियर है. हमने होस्ट नेम और डोमेन नेम क्यों कॉन्फ़िगर किया? ताकि की को एक नाम मिल सके. ठीक है. चूज द साइज ऑफ की मॉड्यूलस इन द रेंज ऑफ 362/2048 बिट्स. ठीक है. जस्ट रिमेंबर वन थिंग हेयर. The more the key size, more secure your communication. आपका SSH कितना secure है, communication कितना secure है, that will be determined on the basis of the key size. बिल्कुल बढ़ेगा. देखो अभी वही तो. चूजिंग ए की मॉड्यूलस ग्रेटर देन 512 में टेक फ्यू मिनट्स, बट ऐसा नहीं होगा होता. अब आप की का साइज 360 से 2048 तक बता सकते हो. बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी बिट्स इन द मॉड्यूलस कितना लेगा वो? 512. ठीक है. मैंने अभी बताया था की का यूज क्या है, टू सिक्योर योर कम्युनिकेशन. जितना कम की का साइज उतना कम सिक्योरिटी. अब SSH में दो वर्जन होते हैं, SSH वर्जन 1 और एक SSH वर्जन 2. अगर आपने ये की 768 बिट से कम की जनरेट की, लेस का साइन कैसे होगा? ऐसे ना. अगर आपने कोई भी की 768 बिट से कम की जनरेट की तो डिवाइस पे अपने आप SSH वर्जन 1 इनेबल हो जाएगा. अगर आपने कोई भी की जनरेट की 768 बिट से ज्यादा तो आपका SSH वर्जन 2. अभी ना बात करें तो बेटर हो गया. जो भी डेटा आप सेंड करते हो हाँ, ठीक है. दो वर्जन होते हैं आपके SSH में. मेन डिफरेंस आपका क्या है? की साइज का. सो ऑलवेज SSH वर्जन 2 इज यूज्ड इन रियल टाइम. बट अगर आप 512 768 बिट से कम की जनरेट करोगे तो अपने आप कौन सा वर्जन जनरेट हो जाएगा? 1. ठीक है. एंटर किया मैंने. ये देखो क्या बोल रहा है, जनरेटिंग 512 बिट RSA कीज. कीज विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल. कीज विल बी नॉन एक्सपोर्टेबल इसका मतलब क्या है? ऐसा भी, मतलब किसी किसी सिनेरियोज में ऐसा भी होता है. मान लो आपने यहां पे एक की जनरेट की डिवाइस पे, अब आप चाहते हो वही पब्लिक प्राइवेट की यहां पे भी यूज हो, तो आप यहां से की को एक्सपोर्ट करा सकते हो अगर कराना चाहो. अभी जो आपने की जनरेट की है दैट की कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड, बस ये मतलब है. अगर आपको सेम की किसी और डिवाइस पे यूज करनी हो देन दैट मींस एक्सपोर्टेबल. क्लियर. नाउ सी व्हाट इट इज सेइंग. आरएसए की साइज नीड्स टू बी एटलीस्ट 768 बिट फॉर SSH वर्जन 2. राइट नाउ SSH वर्जन 1 हैज बीन इनेबल्ड. ठीक है. Right now, we generated a crypto
key, right? Now where that crypto key is saved, वो crypto key कहाँ save होती है? In running configuration या फिर कहाँ पे? Do show run section crypto. Key is never saved in the running configuration. ठीक है? Now how can we see that key? To see any crypto key on the device, we can use one command: show crypto key my pub key RSA. इस कमांड का मतलब क्या है? Show me the crypto key which is public key. ठीक है? See, this is your key. Key का नाम क्या है? r2.cisco.com. Storage device. कहाँ पे ये key save होगी? Not specified. मतलब अभी ये key कहीं पे save नहीं होगी. आप अगर इस key को save करना चाहते हो, save the configuration. Show crypto key my pub key RSA. Now key has been saved in private config. अब एक और बात मैं बता देता हूं आपको. जब भी आप की जनरेट करते हो, डिवाइस पे दो की जनरेट होती हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट. व्हेनेवर वी आर यूजिंग शो क्रिप्टो की माय पब की आरएसए कमांड, वी कैन ओनली सी पब्लिक की. देयर इज नो वे बाय विच वी कैन सी द प्राइवेट की. देयर इज नो वे बाय विच वी कैन सी द प्राइवेट की इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट. ठीक है? क्लियर? Now, right now I generated the key with which modulo size? 512. SSH version 1 was enabled. Right? The command we used is show crypto key my pub key RSA to check the crypto key. ठीक है? So right now we have configured all these steps or not? We have generated crypto key. Okay, login local username are left. So let us do what? Create two usernames. Praveen, password Cisco, username Rohit, password Cisco. हाँ जी. इतनी सारी नहीं है, वो एक ही की है. हाँ हाँ, अभी उसको इतना बड़ा करेंगे, इस पेज इतना. ठीक है? लाइन VTY 0 to 4, लॉगिन लोकल. जब भी आप facebook.com, google.com कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो तो सिक्योर कनेक्शन इस की को यूज करके ही बनता है, पब्लिक की. डन. सो नाउ राइट नाउ वी हैव इनेबल्ड SSH ऑन R2. लेट अस वेरीफाई वेदर SSH इज वर्किंग और नॉट. सो वी विल, अरे IP तो कॉन्फिगर नहीं किया हमने. लेट अस कॉन्फिगर IP ऑन द डिवाइसेस.
IPs are configured and a default route from R1 and R3 is configured. So now let us try to SSH from R1 to R2. पहले SSH करते हैं हम PC से, लैपटॉप से, ठीक है? So let me connect my laptop with the GNS. कैसे कनेक्ट करते हैं बाद में देखेंगे इसको. First let me connect. इस इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 150.1.7.1. मेरे लैपटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है 150.1.7.10. ठीक है, कैसे कनेक्ट करेंगे पता है सभी को या नहीं? देखो ncpa.cpl, जब आपने ncpa.cpl किया आपको यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क अडेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, आप किसी भी नेटवर्क अडेप्टर को यूज कर सकते हो GNS के साथ कनेक्ट करने के लिए. बस आपको एक चीज मेक श्योर करनी है, दैट अडेप्टर इज नॉट कनेक्टेड. कभी कभी आता है ना सिंबल नॉट कनेक्टेड, वो सिंबल ना है, रेड सिंबल. जैसे कि यहाँ पे कोई भी अडेप्टर नहीं है जो नॉट कनेक्टेड है, ये सारे तो डिसेबल्ड है. VMnet 1, VMnet 3, VMnet 8, इनमें से मैं कोई भी अडेप्टर यूज कर सकता हूँ. अब ये तीन अडेप्टर आए कहाँ से? VMnet 1, VMnet 3 और VMnet 8. जब भी आप VMware इंस्टॉल करोगे तो अपने आप ये VMnet अडेप्टर बन जाएंगे. ठीक है, बाय डिफॉल्ट VMnet 1 बनता है और VMnet 8. ठीक है, नाउ आई कैन यूज इधर VMnet 1 और VMnet 8 टू कनेक्ट विद दी GNS. ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे GNS के साथ अपना लैपटॉप कनेक्ट करना है और राउटर पे आईपी क्या है 150.1.7.1 और मैं अपने लैपटॉप पे आईपी क्या कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ 150.1.7.10. अब जो भी आईपी मैं अपने लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, आई विल कॉन्फ़िगर दैट आईपी ऑन एनी ऑफ द नेटवर्क अडेप्टर. आप वो आईपी किसी भी नेटवर्क अडेप्टर पे कॉन्फ़िगर कर दो. तो राइट नाउ आई हैव कॉन्फ़िगर दैट आईपी ऑन VMnet 1. स्टेटस डिटेल्स देखो, आईपी क्या कॉन्फ़िगर है 150.1.7.10 और गेटवे क्या है 150.1.7.1 जो राउटर पे कॉन्फ़िगर किया. डन. इतना करने के बाद, आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद आप क्या करो, होस्ट सिलेक्ट करो या फिर कोई क्लाउड. ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक इट और यहां पे आप वो नेटवर्क अडेप्टर सिलेक्ट कर लो. अगर आपको कोई नेटवर्क अडेप्टर ना दिखाई दे, यू मे नीड टू रन GNS एज एडमिनिस्ट्रेटर. मे बी आपको GNS एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना पड़े. ठीक है, नाउ माय लैपटॉप इज कनेक्टेड विद GNS. ठीक है, नाउ लेट मी कॉन्फ़िगर दिस आईपी ऑन राउटर एंड एड ए राउट ऑन R2 पॉइंटिंग टुवर्ड्स R1. मुझे R2 से ये नेटवर्क रीचेबल भी बनाना है ना. ठीक है, सो लेट अस कॉन्फ़िगर आईपी फर्स्ट. और R2 पे एक राउट है. मेरे पीसी का आईपी क्या है 150.1.7.10. सी आई कैन रीच दैट आईपी एड्रेस. अपने पीसी से अगर पिंग करना चाहूं, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग 192.168.1.2 राउटर 2 का आईपी. हो रहा है पिंग? नहीं हो रहा. यहां से पिंग हो रहा है बट यहां से पिंग नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? राइट नाउ माई लैपटॉप इज कनेक्टेड वाया दिस अडेप्टर एज वेल एज वाया वायरलेस. तो अभी मेरे पीसी के पास दो गेटवे हैं, गेटवे 1 और गेटवे 2. सो माई पीसी इज प्रेफरिंग विच गेटवे? वायरलेस.
तो अभी अगर मैं वायरलेस को डिसेबल कर दूंगा, वायरलेस डिसेबल, ठीक है, अपने आप एक नेटवर्क बन गया। अब अगर आप पिंग करोगे तो पिंग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट अस ट्राई टू SSH फ्रॉम दिस डिवाइस टू राउटर। SSH करने के लिए आप OT सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो या फिर सिक्योर CRT। लेट अस यूज OT। IP टाइप करो, किस IP को टेलेंट करना, SSH करना है 192.168.1.2। किस पोर्ट पे, पोर्ट 22 पे। ये एरर क्यों आया, ये एरर नहीं है, मतलब ये वार्निंग मैसेज क्यों आया, जैसे ही मैंने SSH किया डिवाइसेस ने क्या किया, सबसे पहले थ्री वे हैंडशेक, उसके बाद सर्वर ने क्या सेंड किया, अपनी पब्लिक की। तो ये डिवाइस पे एरर आपका इसलिए आ रहा है, कहां पे गया पुटी, द सर्वर होस्ट की डज नॉट मैच एनी वन दैट इज सेव्ड इन द डिवाइस। अब जो भी किया ये, क्या आप उस की को ट्रस्ट करते हो या नहीं, यस। नाउ इट इज आस्किंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम प्रवीण, पासवर्ड सिस्को। हो गया SSH डन। नो नाउ वी कैन SSH राउटर फ्रॉम ए PC। सिक्योर CRT को भी यूज कर सकते हो आप और OT को भी यूज कर सकते हो। नाउ लेट अस SSH फ्रॉम ए राउटर। राउटर से कैसे SSH करें, whenever you want to SSH from a device, क्या कमांड यूज करते हैं, SSH hyphen L। hyphen L का मतलब login with the username, hyphen L, इसके बाद आप बताते हो username रोहित, इसके बाद आप बताते हो IP एड्रेस 1.2। PC से SSH हो रहा है, राउटर से नहीं हो रहा, रीजन देखो, मैंने PC से SSH किया तो हो गया, राउटर से SSH किया तो नहीं हुआ। अच्छा, डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई, मैं 1.1 से 1.2 का SSH कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तो होना चाहिए भाई, पब्लिक की तो ये डिवाइस अपने आप शेयर करेगा ना, पहले हमें शेयर थोड़ी करनी है। अभी क्यों नहीं SSH हुआ, कोई बोल रहा था बाद में, राउटर से हमने SSH किया तो फिर से वही बात हुई होगी, थ्री वे हैंडशेक के बाद दोनों डिवाइसेस ने क्या एक्सचेंज किया होगा, SSH के मैसेज। बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी राउटर से SSH करोगे किसी भी डिवाइस को, बाय डिफॉल्ट डिवाइस विल से दैट आई एम गोना यूज SSH वर्जन 2। क्या इस डिवाइस पे SSH वर्जन 2 इनेबल है, क्या ये SSH वर्जन 2 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं, तो इसीलिए कनेक्शन इज रिफ्यूज्ड बाय राउटर। बाय डिफॉल्ट जब भी आप राउटर या फिर स्विच से SSH करोगे, ये कमांड चलाओगे SSH-L, डिवाइस विल यूज वर्जन 2, दिख जाएगा वायरशार्क में, देखते हैं चलो। कभी चेक नहीं किया मैंने, यह मैसेज SSH क्लाइंट प्रोटोकॉल, SSH सर्वर प्रोटोकॉल, एक्नोलेजमेंट हुआ,
थ्री वे हैंडशेक हुआ, थ्री वे हैंडशेक के बाद आर टू बोला कि भैया मैं वर्जन वन सपोर्ट करता हूं, बंद कर दो, गर्मी लग रही है। डिवाइस आर टू बोला कि आई सपोर्ट वर्जन टू, क्लाइंट बोला आई वॉन्ट टू नेगोशिएट वर्जन टू विद यू, तो इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हुआ, दोनों एक बात पे एग्री नहीं कर रहे। सी SSH सर्वर प्रोटोकॉल क्या बोल रहा है, कौन सा वर्जन है 1.5, मतलब SSH वर्जन 1, ये क्या बोल रहा है 1.99, SSH वर्जन 2, दोनों एक बात पे एग्री नहीं कर रहे तो कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। सर्वर ने बोला खत्म करो इस कनेक्शन को, ठीक है, क्लियर। नाउ यहां पे देखो हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिससे हम क्या बता सकते हैं SSH का प्रोटोकॉल वर्जन। बाय डिफॉल्ट राउटर क्या सपोर्ट करता है वर्जन 2, जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करेगा हम क्या कर सकते हैं SSH-B वर्जन बता दे कि वही वर्जन 1 के साथ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। सो यू कैन स्पेसिफाई व्हाट वर्जन 1 और वर्जन 2, डन, क्लियर। कौन ये राउटर, अब ये राउटर जब भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो SSH वर्जन 1 के साथ सेंड करेगा, ठीक है। देखो मतलब क्या है यहां पे, अभी अगर हमारे पास यहां पे की का साइज है मान लेते हैं 520 बिट, 12 होता है 20 होता है 512, ठीक है, तो ये डिवाइस केवल वर्जन 1 एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, इतना क्लियर सभी को। अब हम क्या करते हैं इस डिवाइस पे की को जनरेट करते हैं और की का साइज क्या रखेंगे 768 से ज्यादा 1024, ठीक है। डू शो क्रिप्टो की माई पब की RSA, कितनी लाइन दिखाई दे रही है अभी आपको की मतलब की लेंथ 3 लाइन दिखाई दे रही है आपको यहां पे, राइट। अब मुझे एक और नई की जनरेट करनी है, ठीक है। अब पहला सवाल ये आता है क्या मैं एक डिवाइस पे एक से ज्यादा की जनरेट कर सकता हूं। देखो अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब भी की जनरेट होगी तो डिवाइस का नाम क्या होगा, सॉरी की का नाम क्या होगा, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम, तो डिवाइस के पास एक ही होस्ट नेम और एक डोमेन नेम हो सकता है, तो इसका मतलब डिवाइस पे कितनी की हो सकती है, एक। तो क्या ऐसा पॉसिबल है मैं डिवाइस पे एक से ज्यादा की जनरेट कर सकूं? अच्छा होस्ट नेम को आप थ्री करके फिर से की जनरेट कर दूं, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा एक डिफरेंट नाम होना चाहिए। या तो अभी मैं क्या कर सकता हूं की को डिलीट करूं और की को फिर से जनरेट कर दूं, ठीक है। बट इससे हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कि क्या हम डिवाइस पे एक से ज्यादा की जनरेट कर सकते हैं या नहीं। आंसर है यस वी कैन जनरेट मोर देन वन की ऑन ए डिवाइस, हम डिवाइस पे एक से ज्यादा की जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कब पढ़ेंगे हम, अभी मैंने आपको बताया हुआ कि SSH को इनेबल करने के दो तरीके हैं, दो या तीन, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पहला तरीका, वो आएगा दूसरे तरीके में, ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। अभी हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, वी विल डिलीट दिस की एंड जनरेट द की अगेन विद द न्यू मॉड्यूलस, की को दोबारा से जनरेट करेंगे विद ए न्यू मॉड्यूलस। अब की को डिलीट कैसे करें, नो क्रिप्टो की माई पब की, कोई कमांड ही नहीं है,
ओवरराइट, बट भाई अगर मुझे डिलीट करनी हो, चलो ओवरराइट हो जाएगा, डिलीट करनी हो तो कैसे करेंगे? टू डिलीट ए क्रिप्टो की वी हैव टू यूज दिस कमांड. जनवेश, क्रिप्टो की, अब देख लो तुम इसको क्या बोलोगे, जीरो इस क्या बोलोगे. ठीक है, जब भी आप ये कमांड यूज करोगे, दिस कमांड विल डिलीट ऑल द क्रिप्टो कीज दैट आर कॉन्फिगर्ड ऑन द डिवाइस. अब मैंने आपको बताया कि आप एक डिवाइस पे एक से ज्यादा की जनरेट कर सकते हो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर की ही डिलीट करनी हो, आप उस की का नाम बता सकते हो इस कमांड के बाद. ठीक है, दिस की कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द क्रिप्टो की. क्रिप्टो की डिलीटेड, अपने आप क्या बोला, SSH version 1 has been disabled. क्योंकि अगर डिवाइस पे कोई की नहीं होगी तो SSH request cannot be accepted. दोबारा चेक करते हैं कि do show crypto key my pub key RSA, क्या कोई है की है? नहीं. अब दोबारा से क्या करते हैं, की को जनरेट, क्रिप्टो जनरेट RSA. अब देखो यहां पे मैं एंटर करूंगा, वो मुझसे क्या पूछेगा, की का साइज, राइट, मॉड्यूलस. अब मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे की का साइज पूछे डिवाइस. तो अगर आप नहीं चाहते कि डिवाइस आपसे की का साइज पूछे, तो आप मॉड्यूलस कीवर्ड के साथ आप की का साइज बता सकते हो. ठीक है, इतना क्लियर. अगर आप मॉड्यूलस नहीं बताओगे, एंटर करोगे, तो डिवाइस आपसे पूछेगा की का साइज बताओ. आप नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बता दो की का साइज. लेट अस यूज 2048 जितना मैक्सिमम स्पेसिफाइड है यहाँ पे. ठीक है, अब अगर आप एंटर करोगे तो डिवाइस विल नॉट आस्क यू व्हाट इज द साइज ऑफ की. ऑटोमेटिकली कीज विल बी जनरेटेड. देखो अब टाइम ले रहा है क्यों, की का साइज डिलीट करना आप क्रिप्टो की रिमूव की. हो गई की जनरेट, कौन सा वर्जन इनेबल हुआ, वर्जन 2. की का साइज चेक करते हैं, शो क्रिप्टो की माई पब की आरएस, ये की का साइज. ठीक है, मोर द की साइज मोर सिक्योर योर कम्युनिकेशन इज डन. नाउ लेट अस अगेन लिख देता हूं, चलो एक, हां जी बोलो. मेरे पास मेरे ऑपरेशन आप क्या कह रहे हो, मान लेते हैं मेरे पास 3 डिवाइसेज है नेटवर्क में. ठीक है, अभी हमने डिवाइस पे क्या किया, SSH वर्जन 2 जनरेट किया. डन, ऑन दिस डिवाइस राइट नाउ SSH वर्जन 2 हैज बीन इनेबल्ड. अब अगर इस डिवाइस पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी SSH वर्जन 1 या फिर SSH वर्जन 2 के साथ, दोज रिक्वेस्ट आर एक्सेप्टेड. अगर SSH वर्जन 1 है तो केवल डिवाइस SSH वर्जन 1 की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है. अगर SSH वर्जन 2 है तो डिवाइस SSH वर्जन 1 और SSH वर्जन 2 दोनों रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है, क्लियर है ना. Now let us do what? Let us again SSH from this PC to router. Telnet हो गया.
तभी मैं कहूँ कि क्या है, वो नहीं आया वार्निंग 192.168.1.2 SSH. देखो इस बार थर्ड टाइम लिया ना. यस गलत हो गया. हो रहा है SSH. अब अगर आप डिवाइस से SSH करोगे R1 से तो भी SSH हो जाएगा. SSH hyphen L Cisco, sorry, Praveen 192.168.1. थोड़ा टाइम लिया देखो की साइज के वजह से. पासवर्ड गलत हो गया. हो रहा है SSH. आप अगर आप लोकली चेक करना चाहो कि डिवाइस को किस किस आईपी ने एक्सेस कर रखा है, कमांड क्या होगी? शो यूजर्स. ठीक है, टर्मिनेट करना चाहो आप क्लियर लाइन 98 भी यूज कर सकते हो या फिर क्लियर लाइन BT/0. ठीक है, डन. R3 से सेंड करते हैं SSH वर्जन 1 के साथ रिक्वेस्ट. SSH version 1 hyphen L Rohit 2.1 accepted. Version 1, version 2, both commands are accepted. ठीक है, done, clear. छोटा सा break. ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि अगर आपने एक डिवाइस पे SSH वर्जन 2 इनेबल किया, वो डिवाइस वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है. अब भाई अगर आप चाहो कि ये डिवाइस केवल SSH वर्जन 2 की रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करे, तो आप इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो. राइट नाउ दिस डिवाइस कैन एक्सेप्ट बोथ वर्जन 1 एज वेल एज वर्जन 2. इफ यू वांट दैट दिस डिवाइस शुड ओनली एक्सेप्ट SSH version 2 request, you can configure one command on router. ठीक है, पहले ये लिख देते हैं to add a size of key. या तो आप ये command use कर सकते हो, crypto key generate RSA modulus जो भी की साइज आप. ठीक है, नाउ कॉन्फ़िगर R2 सो दैट इट शुड ओनली एक्सेप्ट SSH वर्जन 2 रिक्वेस्ट. तो आपको डिवाइस पे बस एक कमांड चलानी है, IP SSH वर्जन. Now this device will only accept SSH version 2 request. ठीक है, IP SSH version 2. This command is telling router that only accept request that are coming with version 2. Exit. वर्जन 2 के साथ आपने SSH किया तो हो गया, R3 से वर्जन 1 के साथ किया तो नहीं हुआ. रीजन क्लियर, डन. नाउ दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑफ इनेबलिंग SSH. ठीक है, डन, इतना क्लियर. अब नाउ व्हाट आई वांट at least 2 keys on router. Router पे मैं at least कितनी की generate करूं? 2 की. एक मिनट, एक command चला के देखते हैं. IP SSH key pair. ठीक है,
मैं राउटर पे चाहता हूं कि कितनी की जनरेट हो, 2 की। पहले की यूज हो हमारी सर्टिफिकेट के लिए, मतलब HTTPS कनेक्शन के लिए, और दूसरी की यूज हो SSH कनेक्शन के लिए। एक और की जनरेट कर लेते हैं, तीसरी की, वही की यूज हो आपकी VPN के लिए। कर सकते हो आप, करना चाहो तो, ठीक है, डन। अब मेरे को 3 की जनरेट करनी है, और तीनों की का नाम क्या होना चाहिए, अलग, राइट। नाउ इफ यू हैव ए कंडीशन इन विच यू वांट टू स्पेसिफाई ए नेम, मतलब आप नहीं चाहते कि डिवाइस क्या यूज करे, होस्ट नेम और डोमेन नेम। जैसे आपने यहां पे मॉड्यूलस कमांड कीवर्ड यूज किया, वैसे ही एक और कीवर्ड अवेलेबल है, लेबल। आप लेबल कीवर्ड यूज कर सकते हो, क्या बताने के लिए, की का नाम। अगर आपने की का नाम डायरेक्टली बताया लेबल कीवर्ड के साथ, देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर होस्ट नेम और डोमेन नेम, क्योंकि होस्ट नेम और डोमेन नेम हमने क्यों कॉन्फ़िगर किया था, ताकि हम की को नाम दे सके। अब हम डायरेक्टली अगर की को नाम दे रहे हैं, देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर होस्ट नेम एंड डोमेन नेम। क्लियर इतना। तो पहले हम क्या करते हैं, नो आईपी डोमेन नेम हटा दिया, की को भी हटा देते हैं, क्रिप्टो की ठीक है, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, यहां पे आपके पास क्या कीवर्ड अवेलेबल है, लेबल। क्या भी मेरे पास डिवाइस पे डोमेन नेम है, नहीं। डोमेन नेम यूज क्यों होता है, की का नाम देने के लिए। अब मैं डायरेक्टली की का नाम बता रहा हूं, तो देयर इज नो नीड टू डिफाइन द डोमेन नेम, ठीक है। क्रिप्टो की जनरेट आरएसए, लेबल नाम दे दिया एसएसएच, ठीक है। मॉड्यूलस बताना चाहो तो मॉड्यूलस बता सकते हो आप, डन। अब जब भी आप कोई की जनरेट करते हो, हमेशा कहां गया वो कीवर्ड, अब नहीं आया कीवर्ड वो। अच्छा, मान लो आपको की को एक्सपोर्टेबल बनाना है, अगर आप किसी की को एक्सपोर्टेबल बनाना चाहते हो, तो आप क्या कीवर्ड यूज कर सकते हो, एक्सपोर्टेबल, ठीक है, डन। मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए के बाद आप क्वेश्चन का मार्क करोगे तो मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई की जनरेट करते हो, दैट की इज जनरल पर्पज कीज, ठीक है। अगर आप एक की को केवल इंक्रिप्शन पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, तो आप इंक्रिप्शन बता सकते हो। अगर आप एक की को केवल सिग्नेचर पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, तो सिग्नेचर बता सकते हो। बाय डिफॉल्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने जनरल पर्पस यूज किया, दैट मींस दैट की कैन बी यूज फॉर इंक्रिप्शन और सिग्नेचर। अगर आप एक की को केवल इंक्रिप्शन पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, तो आप इंक्रिप्शन कीवर्ड यूज कर सकते हो या फिर सिग्नेचर। मॉड्यूलस का मतलब पता है आपको, लेबल का मतलब पता है, स्टोरेज कहां पे आप की को सेव करना चाहते हो, आप ये भी बता सकते हो, ठीक है। क्या 2.99, मैंने तो नहीं देखा, वो वर्जन 2 ही होगा, ये वर्जन 2 ही होगा। दो ही वर्जन है, दो ही वर्जन है। अब वर्जन 3 थोड़ी आगे हो गए ऐसे चलते। इससे पहले 1.99, भाई दो ही वर्जन है, वर्जन 1 और वर्जन 2। नाउ वी आर यूजिंग TLS का, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चेक कर लेना गूगल पे ये 2.99 क्यों आ रहा है, ठीक है। वैसे दो ही वर्जन है आपके, आईपी SSH 1 और 2,
ठीक है। तो अभी आपको पता है अगर आपने कोई भी की जनरेट की, अब यहाँ पे आप डिवाइस पे क्रिप्टो की जनरेट RSA लेबल VPN मॉड्यूलस 1024 मल्टीपल कीज आप जनरेट कर सकते हो, राइट। डू शो क्रिप्टो की माई पब की RSA, देखो आप डिवाइस पे कितनी की है, दो की, एक VPN और एक SSH। अब आप चाहते हो कि डिवाइस केवल SSH को SSH के लिए यूज करे, तो आप क्या कर सकते हो, IP SSH RSA और की पेयर का नाम, क्लियर। रियल टाइम में ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा नहीं कि डिवाइस पे केवल एक ही की होती है, देयर आर मल्टीपल कीज अवेलेबल, इतना क्लियर। क्लियर ना। सेकंड मेथड में बस मुझे आपको यही बताना था कि यू कैन गिव ए नेम टू ए की विदाउट स्पेसिफाइंग डोमेन नेम और होस्ट नेम, ठीक है। तो दूसरा मेथड आपका यही है, क्या कर सकते हो आप, डिवाइस पे की कॉन्फ़िगर करो क्रिप्टो की विद लेबल यूजर नेम लॉगिन लोकल अंडरलाइन VTY और कुछ नहीं, बस तीन चीजें, ठीक है। दिस इज योर सेकंड मेथड, डन। अब एक और मेथड आप यूज कर सकते हो एक कमांड चलाने के बाद, IP HTTPS सर्वर, ठीक है। आप सभी को पता है HTTPS भी क्या होता है, सिक्योर। जैसे ही आप ये कमांड चलाते हो ना, अपने आप क्या होता है, एक की जनरेट हुई, मतलब अपने आप क्या हो गया, इनेबल SSH, अगर आप मैन्युअली की जनरेट ना करना चाहो, ठीक है। अगर एक डिवाइस पे HTTPS इनेबल है, दैट मींस SSH रिक्वेस्ट आर आल्सो एक्सेप्टेड, ठीक। ये वाला, ठीक है, डन, SSH खत्म। नाउ हाँ जी, ये कमांड चलाई ना हमने, हमने एक बताया कि जब भी SSH के लिए कोई RSA की यूज हो, कौन सी की यूज हो, SSH, ठीक है, डन। To use a specific key for SSH, use which command? IP SSH RSA key pair और key का नाम, done? So configuring SSH on line BTY is done.